इस और गोंडा मामले को लेकर सुशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको वही लिए चलते हैं। घटना हुई थी जिसकी सूचना थाने पे 3:42 पे दी गई थी। इस संबंध में अपराध संख्या 272/20 धारा 364A जो फिरौती हेतु अपहरण का है, मैं अपराध पंजीकृत करके तत्काल कार्रवाई की गई। बच्चे अपहृत बच्चे का उम्र की उम्र लगभग 8 साल थी और बच्चा काफी छोटा था। इसके लिए शासन स्तर से और पुलिस महानिदेशक स्तर से सभी टीमें लगाई गईं। जो भी संसाधन हमारे पुलिस बल के हैं उनको लगाया गया, साथ साथ जो हमारे स्थानीय पुलिस है DIG और SP गोंडा के नेतृत्व में काम कर रही थी। आज सुबह तड़के गांव पारा में मुखबिर की सूचना पे मुठभेड़ हो गई जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ के टीम में सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ स्थानीय पुलिस और STF की टीम थी। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त हुई गाड़ी पीसी चल रही है जो अल्टो गाड़ी बताई जा रही थी वो भी बरामद की गई है और बदमाशों के पास से एक पिस्टल तथा 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों का इलाज चल रहा है। पीसी चल रही है, अभी भी हम लोग हमारी क्षेत्र में कॉम्बिंग चल रही है। पुलिस की ओर से भी जिनको चोट पहुंची है उनका मेडिकल कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें जो अन्य लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र में जो शामिल रहे हैं या अपहरणकर्ताओं की मदद की है उनके विरुद्ध भी हम लोग इनसे पूछताछ के आधार पे तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पे कार्रवाई करेंगे। शासन की ओर से स्थानीय पुलिस एवं STF की टीम को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। ये जो चुनौतीपूर्ण कार्य था उसमें मीडिया बंधुओं का बहुत सहयोग रहा और आप लोगों ने रिपोर्टिंग के साथ साथ बच्चे के सकुशल वापसी के लिए भी बहुत सहयोग किया इस रूप में कि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के चीज़ें नहीं चलाई गई। उसके लिए विभाग आपका आभारी है। इसके साथ साथ इतनी अल्प अवधि में हम लोगों ने जो ये सफलता अर्जित की है उसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। सर, ये जो पांडे परिवार है, सूरज पांडे, छवि पांडे और राज पांडे, ये मेन इसमें कॉन्स्पिरेटर हैं, इनकी क्या परिवार से क्या इनका कनेक्शन? अभी आपको पता है ये कल दोपहर बाद की घटना है और
इतनी जल्दी हम लोगों ने बच्चा रिकवर किया है, सभी लोग गिरफ्तार हैं जो मुख्य अपहरणकर्ता है। जैसा मैंने बताया, अभी आगे की पूछताछ की जाएगी और जो भी लाभप्रद सूचना होगी और वो हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक टोटल कितने लोग अरेस्ट हैं? 5 लोग अरेस्ट हैं टोटल, दो घायल और 3 लोग। मैंने आपको बताया कि जो लोग अपहरणकर्ता गिरफ्तार हैं उसमें एक महिला भी शामिल है। अन्य चीजें विवेचना का प्रश्न है, जब चीजें आपके साथ शेयर करना होगा हम अवश्य शेयर करेंगे। लोग इनके परिचित हैं पहले से? महिला को भी लाइए। टोटल कितनी गिरफ्तार? 5 बता दिया मैंने, 5 आदमी, नाम बता दिया, सब कुछ प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हालांकि जो अहम सवाल वो उन्होंने नहीं बताया कि पांडे परिवार, जिसमें वो महिला भी शामिल है और जिस परिवार ने अगवा किया